तो दोस्तों ये है हमारे पास Realme C35 मोबाइल और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्मार्ट कॉल सेटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप अगर इस फ़ोन में कॉल करते हैं तो दोस्तों कुछ मैं आपको सेटिंग्स बताऊंगा जिनको आप कर लेते हैं तो आप अपने जो है कॉलिंग को बहुत ही स्मार्ट तरीके से यूज कर पाएंगे। अब दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो है अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है और जैसे ओपन हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे जो है स्मार्ट कंट्रोल्स, इसी पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे स्मार्ट मोशन, इसी पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों ये ऑफ होगा, स्मार्ट कॉल इसे इनेबल करना है, यहाँ पे स्मार्ट कॉल लिखा हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप समझ लीजिए जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ईयर एंसर इसे इनेबल करेंगे तो दोस्तों आपके फ़ोन में जब भी कॉल आएगी अपने कान में फ़ोन को इस तरह से लगाएंगे आपकी कॉल रिसीव हो जाएगी। दूसरे नंबर पे यहाँ पे इसे अगर आप इनेबल करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है जैसे आपके फ़ोन में इनकमिंग कॉल यानी कॉल आ रही है तो अपने फ़ोन को जैसे रखा हुआ है कहीं पे, ठीक है, जैसे उठाएंगे तो ये दोस्तों आपकी जो है कॉल यानी जो रिंग बज रही होगी स्लो हो जाएगी और ये वाइब्रेट करने लगेगा, ठीक है। तो इस सेटिंग से ये होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे म्यूट इनकमिंग कॉल, इसे अगर आप इनेबल करते हैं तो दोस्तों जब भी आपके फ़ोन में कॉल आ रही है, आप या मीटिंग में हैं कहीं पर हैं तो दोस्तों जैसे फ़ोन कॉल आ रही है तो दोस्तों आपका फ़ोन रखा है आप उसे इस तरह से यानी पलट देंगे, आपकी कॉल जो है वहाँ पर म्यूट हो जाएगी, रिंगिंग बजनी बंद हो जाएगी यानी कॉल आती रहेगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे चौथा ये ऑप्शन है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये प्ले कंट्रोल है। अगर दोस्तों आप जो है जब भी कुछ भी प्ले अपने यानी वीडियो वगैरह जो भी प्ले कर रहे हैं बजा रहे हैं तो दोस्तों आप जो है बजा रहे हैं और या वीडियो देख रहे हैं, अगर दोस्तों बजाते बजाते कोई आपसे कोई बात कहनी है या करनी है तो दोस्तों अपने फ़ोन को इस तरह से फ्लिप कर देंगे तो आपका वो भी बंद हो जाएगा यानी सॉन्ग वीडियो जो भी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों Realme C35 मोबाइल में जो है कॉल को स्मार्ट तरीके से यूज कर पाएंगे।